नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2013। मैं हूं प्रीति। मध्य प्रदेश और मिजोरम में कल मतदान संपन्न हो गया और अच्छी बात यह है कि भारी तादाद में लोगों ने वोट डाले। इधर दिल्ली और राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है। दिल्ली में बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। क्या है बीजेपी के घोषणा पत्र में खास, दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं चुनावी सुर्खियों पर। दिल्ली में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश, सस्ती बिजली और पूर्ण राज्य के दर्जा देने का वादा। दिल्ली में पेड न्यूज के 5 मामले उजागर, चुनाव आयोग ने जारी किया बीएसपी उम्मीदवार को नोटिस, 4 पर कार्रवाई की तैयारी। राजस्थान में प्रचार के लिए उतरे दिग्गज, भीलवाड़ा और बूंदी में गहलोत की रैली, तो उदयपुर में वोट मांगेंगे राजनाथ सिंह। मध्य प्रदेश और मिजोरम में सोमवार को मतदान संपन्न, दोनों प्रदेशों में भारी वोटिंग, बीजेपी और कांग्रेस ने किए जीत के दावे। और आज शुरुआत करेंगे दिल्ली की चुनावी खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने सस्ती बिजली पर खास जोर देते हुए बिजली की मौजूदा दरों से 30% सस्ती बिजली देने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का भी वादा किया है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, यहाँ सारे देश भर के लोग रहते हैं। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली को एक ऐसी सरकार दें जिस सरकार पर खाली दिल्ली वासियों को ही नहीं अपितु पूरे देश को गर्व हो। दिल्ली के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़े हमारे मुद्दे थे। इसमें बिजली के ऊपर सबसे ज्यादा हमने फोकस किया कि हम सत्ता के अंदर आएंगे तो बिजली के दाम 30% कम करेंगे। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम सुंदर जुड़े हैं, उनका हम सीधा रुख करेंगे। शाम, 15 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर है और पूरा जोर होगा कि किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा किया जाए दिल्ली के अंदर। कितनी लुभावनी तस्वीर आपको बीजेपी के घोषणा पत्र में नजर आ रही है? देखिए, जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, बहुत ही लुभावनी तस्वीर है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको टच नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में। खास जो जोर दिया गया है वो 3 बातों पर जोर दिया गया है। पहली बात जो है वो कि 30 दिन के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, सब्जियों के जो दाम बढ़ते हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं वहां पर जो लोग रहते हैं, वहां पर जो उनके लिए असुविधाएं हैं, सुविधाओं का सवाल है, उन असुविधाओं को दूर कर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस घोषणा पत्र में कही गई है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी क्योंकि दवाइयां बहुत महंगी हैं, इलाज बहुत महंगा होता है, और यह कहा जाता है कि एक आदमी एपीएल से बीपीएल हो जाता है क्योंकि उसको इतना पैसा खर्च करना पड़ता है अपने स्वास्थ्य के ऊपर, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने की बात की गई है बहुत ही नॉमिनल रेट के ऊपर, कि दिल्ली में जितने भी नागरिक होंगे उनको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन सवाल वही है प्रीति, के ये वायदे सब किए गए हैं लेकिन इन वायदों को कैसे पूरा किया जाएगा, किस तरह से उसके लिए पैसा मुहैया होगा, क्या फॉर्मूला होगा, उस पर यह घोषणा पत्र जो है वो साइलेंट है, उस पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। जी, और जैसा आप बात कर रहे हैं कि कैसे काम होगा इन सब वादों पर, ये बड़ा सवाल है। अगर देखें तो 20 तारीख को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह बात की है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र में अपना एक अलग से घोषणा पत्र जारी कर रही है। इस समय अगर देखा जाए तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को देखकर उसके बाद अपने कदम उठा रही है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है, हम कह सकते हैं श्याम? स्वाभाविक है प्रीति, जो आपने कहा है बिल्कुल सही बात है कि एक तरफ 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार है और शीला दीक्षित का यह दावा है कि उन्होंने दिल्ली की तस्वीर बदल कर रख दी है, और जाहिर है जब तीन बार आप लगातार चुनाव जीत के आते हैं और तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है निश्चित तौर पर। और क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी का सवाल था शीला दीक्षित के खिलाफ, एक सत्ता विरोधी जो एक स्वाभाविक वोट पैदा होता है, आम आदमी पार्टी के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बेहद कठिन हो गई है।
तो इसलिए एक जो प्रदेश के स्तर पर घोषणा पत्र है उसके अलावा असेंबली वाइज, क्योंकि विधानसभा चुनाव और खासतौर पर दिल्ली क्योंकि बहुत बड़ा राज्य नहीं है तो स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि राष्ट्र राजधानी क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन एक विधायक की इमेज, जो उम्मीदवार उसके सामने लड़ रहा है उसकी क्या इमेज है, वहां के स्थानीय मुद्दे क्या है, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और शायद यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये कोशिश की है कि वहां के मुद्दों को आइडेंटिफाई करके वहां के जो उम्मीदवार हैं वो अलग से वायदे करें, लेकिन प्रदेश स्तर पर ये एक औपचारिकता कह लें या ये कहें कि बीजेपी एक सिंसियरिटी के साथ ये दिखाना चाहती है कि आखिरकार वो क्या ऐसा नया करना चाहती है जो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नहीं किया है या जिसका वादा उन्होंने नहीं किया है। एक तीसरी बात और है श्याम, बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर घोषणा पत्र जारी करना ये कितना लुभा पाता है लोगों को? ये तो प्रीति, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि घोषणा पत्र किस हद तक आम आदमी के पास जा पाता है, मोटे तौर पर उसमें जो मुख्य बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव से पहले अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने की बात कही, उनको नियमित करने की बात कही, तो एक दबाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर वायदा किया, लेकिन कुल मिलाकर ये भी नहीं कहा जा सकता कि घोषणा पत्रों का कोई महत्व नहीं होता है। घोषणा पत्रों का निश्चित तौर पर महत्व होता है, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार आई उसने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें से कितनी वादे हैं वो पूरे कर पाए, कितने दावे हैं जिन पर वो खरे उतर पाए, तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप मुझसे ये कहें कि क्या हर मतदाता जब वोट डालने जाता है तो क्या वो घोषणा पत्र में किए गए वायदों को ध्यान में रखता है, शायद वैसा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो मोटी मोटी बातें होती हैं, पार्टी का क्या विजन है स्टेट को लेकर, वो जरूर क्लियर होता है इस दस्तावेज से। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बीजेपी के घोषणा पत्र से जुड़े घोषणा पत्र में शामिल बिंदुओं और उसके अलग अलग पहलुओं को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ मुख्य चुनाव अधिकारी ने बीएसपी के एक उम्मीदवार को पेड न्यूज के मामले में नोटिस जारी किया है। आर के पुरम से बीएसपी उम्मीदवार धीरज कुमार को राज्य की मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया है। मंगलवार को हुई चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक में ऐसे कुल 8 मामलों पर चर्चा की गई। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय देव ने उत्तम नगर से कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश शर्मा, बटिया महल से मिर्जा जावेद अली, जबकि नांगलोई विधानसभा सीट से बीएसपी के मोहम्मद सलीम सैफी और कांग्रेस के डॉक्टर बिजेंद्र सिंह को भी नोटिस देने की तैयारी कर ली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने 2 दिन की मोहलत दे दी है। आयोग ने केजरीवाल को धार्मिक आधार पर वोट मांगने को लेकर नोटिस दिया था, जिसका जवाब उन्हें सोमवार को देना था। चुनाव आयोग ने यह नोटिस एक पर्चा बांटने पर दिया था जिसमें धार्मिक आधार पर वोट मांगने की अपील की गई थी। फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे राजस्थान की। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान के चुनावी दंगल की। राजस्थान में आज बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता कई जगहों पर रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी डीग, मंगरोल, बूंदी और भीलवाड़ा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह प्रदेश में आज से 3 दिन के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। राजनाथ सिंह आज सोजत और बल्लभ नगर में चुनावी रैली करके जनता से वोट मांगेंगे। राजस्थान में 1 दिसंबर को मतदान होना है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है और खास बात यह है कि राजनीतिक दल प्रचार में सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव का माहौल है, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती के चलते झंडे, बैनर और पोस्टर काफी कम संख्या में दिख रहे हैं। हालांकि इंटरनेट की दुनिया में माहौल कुछ और है। यहाँ राजनीतिक पार्टियां अपनी वेबसाइट्स, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए वोटर को लुभाने की जी जान से कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के फेसबुक पेज और दूसरे वेबसाइटों के प्रबंधन के लिए विशेष टीम बना रखी है। कांग्रेस आपका मुख्यमंत्री और आमजन की सरकार जैसी वेबसाइटों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी फेसबुक और ट्विटर पर चुनावी वादों और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में जानकारी दे रही है।
बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कांग्रेस को मिल रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ने जो शुरुआत की है राजस्थान में आके, उसके बाद से हम भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से बहुत आगे चले गए। सोशल नेटवर्क पे हमसे जुड़ रहे हैं, युवा भी जुड़ रहे हैं, महिलाएं भी जुड़ रही हैं। लोगों के बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी हमको इस सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं और अनेकों सुझावों को हमने ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने अपने जो स्वराज संकल्प पत्र जारी किया है, जो कमिटमेंट लेटर जारी किया है, उसमें भी सम्मिलित किया है। इसलिए सोशल मीडिया में हमने अग्रणी की है और बाकी लोगों ने फिर धीरे धीरे हमारे सोशल मीडिया को देखने के बाद फॉलो करना चालू किया है। ऑनलाइन प्रचार पर मतदाताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। ये डाउटफुली नहीं है कि सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है वो पार्टीज के कैंपेन में नहीं आ रहा है, कैंपेन पे बहुत इफेक्ट कर रहा है, बातें पहुंचा रहा है। तो बट नेचुरल है कि 4% 5% इफेक्ट तो इसको नॉर्मली मारना ही चाहिए कैंपेन पर। अभी गांव के लोग भी, उन लोगों को भी शौक आता है कि हम लोग फेसबुक पे आए, हमारा अकाउंट बनाओ, ये वो, तो फ्रेंड्स के जरिए बनते हैं उनके फ्रेंड्स। राजस्थान को पारंपरिक समाज माना जाता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस तरह के प्रचार से खास वर्ग के मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। निसंदेह इसकी अपनी कॉन्स्टेंसी है, जो अर्बन यूथ है, जो नेट सेवी है, जो अपर कास्ट है, जो रिच लोग हैं, जो एलिट क्लास लोग हैं, वो सब इसको इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं उससे प्रभावित भी होते हैं। राजस्थान में 1 दिसंबर को मतदान होना है। राजनीतिक दलों को ऑनलाइन प्रचार का कितना फायदा होगा, इसके असर की जानकारी 8 दिसंबर को मतगणना के बाद ही मिल पाएगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, जयपुर। कांग्रेस के सचिव और राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 3 बार सांसद रह चुके ताराचंद भगोरा का दावा है कि राज्य में एक बार फिर उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी। राज्यसभा टीवी संवाददाता दृष्टि गुप्ता से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के एमपी ताराचंद भगोरा जी। आइए जानते हैं उनसे कि इस बार अगर वो पार्टी में आते हैं तो किस तरह की उनकी रणनीति होगी। सर, ये बताएं, इस बार अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, इस बार अगर पार्टी में आते हैं तो किस तरह के लोगों को आराम देना चाहेंगे, ये दावे और वादे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस का राज है और राजस्थान में भी, और जो राजस्थान की सरकार अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में काम कर रही है वो बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन लोक कल्याणकारी योजना के काम कर रही है। इस तरह के नए प्रोजेक्ट शुरू करने की आपकी योजना है जो आगे की यहाँ की जनता के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेल परियोजना हमारा शुभारंभ हुआ है और धरातल पे काम अभी 15 दिन बाद लगभग शुरू हो जाएगा, जो यहाँ से रतलाम तक 186 किलोमीटर रेल लाइन होगी। जो ट्राइबल बेल्ट आज तक कटा हुआ है वो रेल से जुड़ने के बाद यहाँ खनिज संपदा बहुत है, विद्युत उत्पादन का क्षेत्र, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और लगने की संभावना, तो यहाँ एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी आने वाले समय में। यहाँ दक्षिण राजस्थान के अंदर जहाँ जिन घरों में लोगों को लाइट नहीं है उसको हम लाइट देने का काम करेंगे, जो वृहद पैमाने सिंचाई बस्तियों में है जो अब तक इतने वर्षों बाद भी लाइट से वंचित थी, इनको देने का काम करेंगे। जहाँ कच्चे मकान है राजस्थान में, हमारी सरकार आती है तो हम पक्के मकान बनाने का योजना बना रहे हैं जिससे कि यहाँ के आम लोगों पक्के मकान में रह सकें, ये अपना में बहुत बड़ी बात है। और जो पिछड़े लोग यहाँ गरीब हैं इनको हर दृष्टि से कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए उद्योग लगाएंगे। बहुत शुक्रिया ताराचंद जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ताराचंद जी जो हमको बता रहे थे कि किस तरह वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे एरिया में 2 नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और जिससे यहाँ के आम लोगों को और आदिवासी लोगों को काफी फायदा हो सकता है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी, डूंगरपुर। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र काफी अहम है। जातीय राजनीति की वजह से इस इलाके के वोट राजनीतिक दलों के लिए काफी मायने रखते हैं। आइए देखते हैं कि राजस्थान में एक क्षेत्र किस तरह चुनाव में अहम होने जा रहे हैं। राजस्थान में सरकार बनाने में मेवाड़ क्षेत्र की जातीय राजनीति हमेशा से अहम रोल अदा करती है। मेवाड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ टीएसपी यानी जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आते हैं। जून 2013 में काफी मशक्कत के बाद यहां के गैर जनजातीय लोगों को भी जनजातीय लोगों के बराबर आरक्षण मिला। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसने बहुत बेहतरीन अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कार्य हुए हैं और शायद इतिहास में पूरे हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी का राज रहा हो, पर जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कार्य किए हैं यहाँ वो ऐतिहासिक और बेमिसाल है।
अशोक गहलोत सरकार ने हाल ही में इलाके के लोगों को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण की घोषणा की थी, लेकिन टीएसपी के गैर जनजातीय लोग इसे नाकाफी मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये टीएसपी एरिया घोषित किया है, इस टीएसपी एरिया में जो रिजर्वेशन उनको मिल रहा है वो भली उनको मिलता रहे, मगर हम लोगों को भी कम से कम 30-35% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। मौजूदा नियमों के मुताबिक टीएसपी क्षेत्र के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 5% अनुसूचित जाति और 45% अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित है। नई व्यवस्था के मुताबिक क्षेत्र के बाकी लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। गैर जनजातीय लोगों का वोट इस क्षेत्र में इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र की 17 सीटों में करीब 14 सीटों पर ओबीसी और सामान्य वर्ग के वोटर ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दृष्टि गुप्ता के साथ नीतू एल्डोस, राज्यसभा टीवी। यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा से देश के ग्रामीण इलाकों को फायदा पहुंचा है। राजस्थान के राजसमंद के लोगों को भी इसने सशक्त बनाया है। राजसमंद के पीपलांथरी पंचायत की हरियाली देख लोग मोहित हो जाते हैं। मार्बल उद्योग के लिए मशहूर राजसमंद मार्बल फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे और गारे का डंपिंग ग्राउंड है, लेकिन कचरे से भरी बंजर जमीन पर अब एलोवेरा और दूसरी फसलों की खेती होती है, जो मनरेगा योजना की वजह से मुमकिन हो पाया है। ये गांव इसलिए आदर्श है क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन के जो 16 संस्कार होते हैं, जन्म है, मृत्यु है, विवाह है, इनको पौधारोपण से इन्होंने जोड़ दिया। ना केवल पौधों से यहाँ पे पर्यावरण अच्छा हुआ है, बाकी लोगों को रोजगार भी मिला है। यहाँ पर काफी अच्छे से एलोवेरा होता है और उसके बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक स्वयं सहायता समूह बना रहा है। तो वहीं इस इलाके में मनरेगा की वजह से रोजगार के लिए पलायन में भी कमी आई है। सब सुविधाएं अच्छी। इसके पहले आप कहाँ काम करते थे? हम कहीं नहीं करते। 150 मिलता है। 150 मिलता है? हाँ, पूरा। सरकार ने इस योजना में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नगद को सीधे कामगारों के खाते में पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी EFMS शुरू की गई है। इसके तहत कामकाज का ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जा रहा है और उसका मूल्यांकन भी किया जा रहा है। EFMS लागू हुआ है जिसमें खाते में ही सीधे लेबर के पैसा जा रहा है, तो इससे ये जो बीच का पैसे का इधर उधर ना जाना, उनके अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है, तो गड़बड़ियां दूर हुई है। देश भर में मनरेगा के 8,26,00,000 खातों में से 43% खाते डाकघर में है, बाकी बैंक खाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कुछ श्रमिकों से पहले भुगतान में देरी और कम भुगतान की शिकायतें मिली थी, लेकिन नया सिस्टम लागू होने के बाद से ऐसी शिकायतें नहीं आ रही हैं। कहा जा सकता है कि एक ऐसे आदर्श गांव की तुलना सिर्फ राजसमंद में ही की जा सकती है। हालांकि भारत देश में हर तरफ एक ऐसे गांव की कल्पना की जा सकती है जो कि लोगों को जीवन भी दे और रोजगार भी। कैमरामैन गजेंद्र के साथ दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी, राजसमंद। इसके अलावा यूपीए के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना से लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी इसकी स्थिति बेहतर नहीं है। उदयपुर के आदिवासी इलाकों में इस योजना की जमीनी हकीकत पर पेश है राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को आधार कार्ड से जोड़ना चाहती है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर के कई आदिवासी इलाके हैं जहां लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं। यहां के लोग सरकार की योजनाओं से भी सही तरीके से वाकिफ नहीं हैं। इसमें यूपीए सरकार की लोगों की भोजन की गारंटी वाली महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना भी शामिल है। आपके पास राशन कार्ड है? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा आपको? अभी क्या करूं सर, नहीं मिल रहा, तो 2-3 बार बोल रहा था। कहां जाके आपने कंप्लेन किया था? कंप्लेन दर्ज किया था अभी तक बाद में बनेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली ये महिला उदयपुर से 28 किलोमीटर दूर डोडावली की रहने वाली है। इस महिला के परिवार को 25 किलो गेहूं 2 रुपए की दर से मिलता है, लेकिन ये 35 किलो अनाज की हकदार है जो इसे 1 रुपए की दर से मिलना चाहिए। आपको हर महीने कितना राशन मिलता है? 25 किलो। क्या क्या मिलता है 25 किलो? क्या मिले? कितने पैसे का मिलता है? 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो क्या मिलता है? गेहूं। और हाँ। चावल मिलता है? चावल नहीं। मक्का नहीं। दाल नहीं। कुछ नहीं। हाल ही में कृषि लागत और मूल्य अनुमान के लिए आयोग की नई रिपोर्ट में भी PDS में सुधार की बात की गई है।
ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में पीडीएस की सबसे ज्यादा गड़बड़ी रही, जो करीब 71% है, जबकि पश्चिम बंगाल में 69% और राजस्थान और असम में ये आंकड़ा 67% रहा है। मेरे समय में जिस समय रोड भी नहीं थी तो भी मैंने जैसे तैसे ऊँटों पे लाके भी यहाँ में राशन वितरण किया मैंने। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 2 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था, जो 20 अक्टूबर से पूरी तरह प्रभावी हुआ। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों को रियायती दामों पर अनाज देने का प्रावधान है। नीतू एल्डोस, राज्यसभा टीवी। चुनाव से जुड़ी तमाम और अहम खबरें बाकी हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। और राजस्थान से जुड़ी कुछ और खबरों की बात करते हैं। यहाँ पुष्कर और जोधपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को 2 रैलियां की। उन्होंने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की अगुवाई वाली राज्य सरकार की तारीफ करते हुए जनता से दोबारा सत्ता में भेजने की अपील की। पुष्कर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भले ही 2 घंटे देर से पहुंचे, लेकिन इंतजार कर रहे लोगों के उत्साह पर जरा भी असर नहीं पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीपी जोशी और सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस गरीबी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान में करने वाले हमारी सोच है कि गरीबों के सामने एक दीवार खड़ी है, मोटी दीवार, और हम कहते हैं कि भैया सरकार को गरीब का हक पकड़ना है और मिलकर इस दीवार को तोड़ना है। और बीजेपी के लोग कहते हैं भैया हम सड़क बनाएंगे, हम एयरपोर्ट बनाएंगे, और गरीबों के सामने ये जो दीवार है उसको गरीब तोड़ेंगे अपने सिर से। पिछले 5 साल में अपनी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कामों की चर्चा के अलावा राहुल गांधी ने अपने भाषण में विपक्ष के आरोपों का भी जमकर जवाब दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजस्थान के लोगों को गुमराह कर रही है। यहाँ पे आपके विपक्ष की नेता जो है वो दवाई को जहर कहती है। जिस दवाई में मार्केटिंग हो, अच्छी सी पन्नी हो, जिस दवाई से किसी कंपनी को बहुत फायदा मिले, वो जहर नहीं होता है। मगर वो दवाई जिसमें मार्केटिंग ना हो, अंदर एक ही चीज हो, उसको जहर कहा जाता है। जो गरीब है इस देश में। राहुल गांधी ने राज्य की गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो विकास की रफ्तार तेज होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पुष्कर। और राजस्थान विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी बीजेपी भी धुआंधार प्रचार में जुटी है। बीजेपी एक साथ केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने सोमवार को रैली में प्रदेश सरकार पर नाकामी के आरोप लगाए। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की आलोचना करने में बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पार्टी के सभी नेता अपनी रैलियों में प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। उनके हाथ में जब तक प्रदेश है, बर्बादी के सिवा कुछ नसीब नहीं है। हालांकि कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान पिछले 5 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश कर रही है, लेकिन बीजेपी प्रदेश के पिछड़ेपन की कहानियां लोगों के सामने बयां कर रही है। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने झुंझुनू की रैली में बीजेपी को प्रदेश के लिए ही सही विकल्प बताया। उनके इरादे नेक नहीं है, वे मौज करने के लिए सरकार में आते हैं, चुनाव जीतने के लिए सरकार चलाते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की अगुवाई में बीजेपी सत्ता वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसके लिए बीजेपी उनके कार्यकाल में किए गए काम का भी जमकर जिक्र कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कल हुए मतदान की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में छिटपुट हिंसा के बीच सोमवार को मतदान संपन्न हो गया। राज्य में इस बार 70% से ज्यादा मतदान हुआ। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। दूसरी तरफ मिजोरम में भी 81% वोट पड़े, हालांकि पिछली बार से मामूली कम है। मध्य प्रदेश के लिए वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी, जबकि मिजोरम में मतगणना का काम 9 दिसंबर को किया जाएगा।
और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र 2013 में इतना ही। नमस्कार।